मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय साइंस क्लास। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम सॉल्व करना सीखेंगे न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इससे पहले हमें इस लेसन के 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं, और आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल नंबर 12। तो न्यूमेरिकल 12 हम पढ़ते हैं। An electric bulb has 200 volt and 100 watt. तो given value जो हमारे पास है, B equal to 200 volt and 100 watt. Written on it, what would be the current flowing in this circuit? Find out जो value हमारे पास है, वो I से find out करनी है, and ए बल्ब ऑन कनेक्टिंग इट विद इलेक्ट्रिक मेंस ऑफ 200 वोल्ट एंड व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड रेजिस्टेंस, दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल में। तो देखिए, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर वाला, इलेक्ट्रिक पावर जो फॉर्मूला हुआ है हमारे पास पी बराबर वी इंटू आई से, हमारे पास यहाँ पी जो हमारे पास ये बल्ब की पावर है वाट में, और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और आई हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, आई इक्वल टू पी अपॉन वी। पी की वैल्यू हमारे पास है 100 वाट, और वी की वैल्यू है 200 वोल्ट। 0 डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर। I की वैल्यू हमारे पास आई 0.5 एम्पियर। सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, B इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से हमें कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल R इक्वल टू B अपॉन आई। बी की वैल्यू हमारे पास है 200 वोल्ट, और आई की वैल्यू हमने निकाली है 0.5 एम्पियर। पॉइंट से 0 है इंक्रीज, 5 से डिवाइड करो 5 4 20 410। आर की वैल्यू हमारे पास आई 400 ओम। हेंस दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 13। टू रेजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम, आर वन रेजिस्टर की क्वांटिटी है 2 ओम, एंड आर टू रेजिस्टर जिसकी सेम क्वांटिटी है 2 ओम। 2 ओम के हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, आर कनेक्टेड वन बाय वन विद ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, बी हमारे पास कितनी वैल्यू है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है इन सीरीज एंड पैरेलल। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन बोथ अरेंजमेंट। पहले हम इन दोनों रेजिस्टर्स की सीरीज फॉर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए, यहां से निकालेंगे हम इन सीरीज R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इससे निकालेंगे हम सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास आया 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम सीरीज फॉर्म में। अब सीरीज फॉर्म में जो हम निकालते हैं इसमें जो वैल्यू आती है हमारे पास, अगर उसमें इन पैरेलल फॉर्म में हम निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर आर इक्वल टू बराबर आर वन प्लस बराबर आर टू से। आर की वैल्यू हमारे पास है 2 ओम, और आर की वैल्यू हमारे पास है 2 ओम। बराबर टू प्लस इक्वल टू क्या 1 ओम, यानी आर इक्वल टू हमारे पास आया 1 ओम।
ठीक है, यह है हमारे पास सीरीज फॉर्म में और यह है हमारे पास पैरेलल फॉर्म में। अब देखिए सीरीज फॉर्म में हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, जो कि तो पूछा गया है एनर्जी कंज्यूम इन बोथ अरेंजमेंट। तो सीरीज फॉर्म में कितना अरेंजमेंट, कितनी एनर्जी होगी, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास W इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये भी इसको आर इंटू टी, क्योंकि हमारे पास I की वैल्यू है नहीं, हमारे पास वैल्यू है B की, तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पुट अप करेंगे W इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इस फॉर्मूले से देखिए R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सीरीज में 4 ओम है, तो बी स्क्वायर यानी 12 का 12 का स्क्वायर अपॉन आर हमारे पास 4 ओम, टी हमें यही रखना है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड हमारे निकालेंगे हम जो हमारे पैरेलल फॉर्म में रेशो आया हमारे पास आर का मान डब्ल्यू, इसको ग्राउंड मान लेंगे डब्ल्यू टू इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी से। तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया अपॉन आर 1 इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से यहां से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ये कंज्यूम एनर्जी है तो इनका रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ रेशो आर वन अपॉन आर टू, इसको हम डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू लिया हमने, डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 12 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी और 12 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू टी, ये टी से टी डिवाइड और 12 स्क्वायर से 12 स्क्वायर, यहां है हमारे पास 1 अपॉन 4 यानी डब्ल्यू 1 अपॉन डब्ल्यू 2। तो कंज्यूम एनर्जी जो हमारे पास आ रही है उसका रेशियो क्या होगा, डब्ल्यू 1 रेशियो डब्ल्यू 2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको न्यूमेरिकल जो मैंने कराया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो और न्यूमेरिकल्स इसमें बचे हैं, केवल दो न्यूमेरिकल्स से बचे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल्स आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो आज का आपका ये लेसन है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका नया लेसन मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।